आदमी को तो जोड़ दो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, झारखंड के राजनीति में एक अचानक से सबसे बड़ी बदलाव देखने को मिली है। दरअसल राष्ट्रपति के द्वारा एक ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसमें झारखंड की राजनीति में घमासान सी मच गई है। आखिर यह घमासान क्यों मची है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। जी हाँ, यह बात झारखंड की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल है और जिसके बाद में लगातार कुछ आशाएं लगाई जा रही है और लोगों में अपनी एक उथल पुथल मची हुई है कि क्या रघुवर दास के राज्यपाल बनाए जाने के बाद वह झारखंड के जो आने वाले विधानसभा का चुनाव है उसमें नहीं उतरेंगे, एक उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतरेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद झारखंड के राजनीति में खलबली मच गई है और रघुवर दास 15 साल से पूर्वी सिंहभूम के विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव जीते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते ही रहे हैं। ऐसे में उनका राज्यपाल बनाना एक तरफ से ये माना जा रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा गठबंधन को, झारखंड के गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आइए जानते हैं कि राज्यपाल बनाए जाने के बाद में रघुवर दास के पास में क्या ऑप्शन होंगे, क्या विकल्प होंगे अगर आने वाले विधानसभा में वह चुनाव लड़ते हैं। तो इस चुनाव में राज्यपाल के पद पर रहते हुए वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके लिए उन्होंने एक त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद ही वह चुनाव लड़ेंगे। वैसे स्थिति में देखा जाए तो इस वक्त में अगर उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है तो यहीं से वह पार्टी से त्याग पत्र दे चुके होंगे या देने वाले होंगे, क्योंकि अगर कोई भी राज्यपाल के पद पर रहता है तो वह किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। तो जी हाँ, और यहाँ पे कई सारे आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त में अभय सिंह को भी भाजपा का एक उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बन चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रघुवर दास अगर उड़ीसा का राज्यपाल बनते हैं तो क्या वह निष्पक्ष तरीके से वहाँ पे राज्यपाल का जो पद है उन्हें संभालेंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ पे कि राज्यपाल क्या होता है और राज्यपाल का क्या दायित्व होता है। दरअसल राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह एक पत्र पे मोहर लगने के बाद में वहाँ पे उनकी नियुक्ति होती है और उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वहाँ पे राज्य सरकार को देखना कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है या नहीं। अगर इस स्थिति में राज्य सरकार संविधान या केंद्र के कानून की अवहेलना करता है तो संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि वहां पे राष्ट्रपति को आदेश देकर या स्वयं खुद का निर्देश लेकर वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। इसके अब देखना है कि झारखंड की राजनीति में अगला चेहरा भाजपा के लिए कौन होगा। और ये इस तरीके से देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और भी जितने क्षेत्रीय दल हैं इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी इसी प्रकार का जो भी अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता होगा कि आखिर रघुवर दास को उड़ीसा का ही राज्यपाल क्यों बनाया गया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वह उस राज्य का रहने वाला नहीं होना चाहिए, वहां का निवासी नहीं होना चाहिए और किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए। अब राज्यपाल बन जाने के बाद में रघुवर दास राज्यपाल बन चुके हैं, यानी कि भाजपा से उन्हें त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र देने के बाद यह स्पष्ट रूप से है कि अगला वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इनके यहाँ पे झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा भाजपा का जो माना जा रहा था रघुवर दास, और वह एक तरीके से रास्ते से हट जाएंगे। इसके बाद में बहुत सारे आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का अगला चेहरा कौन होगा।
अब देखना है यहाँ पे ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं। लोगों के अनुसार माने तो अवैसी को माना जा रहा है, आगे देखना है कि और भी ये भाजपा की ओर से कितने उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आते हैं।